नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार भारती, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन के इस ऑनलाइन स्टडी के इस सेशन में आज मैं जो आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूँ, ये MLIS के यूनिट 9 रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी चैप्टर है, इसका यूनिट 9 है वेबोमेट्रिक स्टडी। और आज हम इस स्टडी में हम ये जानेंगे कि वेबसाइट क्या होता है, वेबोमेट्रिक स्टडी क्या होता है, कि इसमें कितने एरिया हैं, इसको हम करते क्यों हैं और इसकी मेथडोलॉजी क्या है, इसमें किस तरह के इंडिकेटर्स हम ऐड करते हैं और हम ये जानेंगे कि इसे हमें करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सभी चीज़ों की चर्चा आज हम इस ऑनलाइन स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे आपके साथ। ये है इंट्रोडक्शन। वेबसाइट क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस, ढेर सारे जो पेजेस होते हैं, वो किस तरह के पेजेस होते हैं, उसमें एक कंटेंट होता है। किस तरह का कंटेंट होता है? इमेज, वीडियो, डिजिटल एसेट्स, मतलब कि एक वेब पेज पे आपको जो HTML के थ्रू वो पेज बनाया जाता है, उस वेब पेज पे आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, इमेज, वीडियो एंड अदर डिजिटल एसेट दैट आर एड्रेस रिलेटेड टू अ यूनिक कॉमन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ओनली द डोमेन नेम एंड द IP एड्रेस एंड द रूट पाथ इन एन इंटरनेट द प्रोटोकॉल बेस्ड नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक वेबसाइट कब बनती है? जब उसमें वेब पेजेस होते हैं, और वेब पेजेस में किस तरह की इंफॉर्मेशन होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है टेक्चुअल इंफॉर्मेशन, इमेज इंफॉर्मेशन, ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन, एनिमेशन, GIF, इस तरीके से मिलके जो वेब पेज बनता है, उस वेब पेज को हम अपने वेब सर्वर के माध्यम से हम उसको पब्लिश करते हैं और उस वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। देखिए जैसे कि ये देखिए, जैसे कि एक वेब पेज है, उस पर किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, ये देखिए, इमेज, वीडियो, टेक्सुअल, GIF, डिजिटल एसेट्स। अब इस वेब पेज का एक एड्रेस होता है, वो एक यूनिक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। वो एड्रेस किस तरह का होता है, किस चीज से बना होता है? एक डोमेन नेम IP एड्रेस के थ्रू वेब सर्वर पे अपलोड होता है, ठीक है। ये देखिए, इसका एक एग्जांपल हम आगे देखते, देखिए ये वेब सर्वर के थ्रू एक वेब पेज जिसका एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट पे पब्लिश किया जाता है, ये होता है हमारा वेबसाइट। और ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं, ये एक वेब पेज है, एक ये वेब पेज है, एक ये वेब पेज है, दो वेब पेज है। इस वेब पेज पे ये जो आपको दिख रहा है, ये एक डोमेन नेम है, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी का ये एक डोमेन नेम है। अगर हम कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी हम अपने सर्वर से अपलोड करते हैं और हम डोमेन नेम देना भूल जाते हैं, तो वो क्या लिख कर आता है, ये देखिए, ये हमारी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का ये एक वेब पेज है। इसमें क्या है, ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस एक यूनिक IP एड्रेस होता है जिसके थ्रू ये हमारे सर्वर से वेबसाइट पे अपलोड होता है, इंटरनेट पे अपलोड होता है, ठीक है, पब्लिश होता है, एक्चुअली ये पब्लिश होता है, ठीक है। इसमें ये स्लैश करके जो दिया हुआ है, ये रूट पाथ है। स्लैश करके देने का मतलब क्या होता है कि ये जो फाइल है, जो ये वेब पेज बना हुआ है, वो इस रूट पाथ के नाम से सेव है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब वेबसाइट के बारे में तो आपने जान लिया किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे है, इस वेबसाइट पे उसी इंफॉर्मेशन को हम बिब्लियोमेट्रिक और इन्फोमेट्रिक के मैट्रिक्स जो उसमें हैं, उसी मैट्रिक्स का उपयोग करते हैं हम वेबोमेट्रिक स्टडी के लिए। देखिए, द स्टडी ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्स
structure and technologies on the web, drawing on the bibliometric and informatic approach. इसका मतलब ये है कि जो भी वेबसाइट पे हम इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, उस वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी हम करते हैं, वो बिब्लियोमेट्रिक और इंफॉर्मेट्रिक के ही मैट्रिक्स के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अब बिब्लियोमेट्रिक स्टडी में किस किस तरह की स्टडी होती है, देखिए वेब कंटेंट एनालिसिस एक ये स्टडी होती है बिब्लियोमेट्रिक की स्टडी में, और इसमें कौन सी स्टडी होती है ये देखिए, इधर ये देखिए, हाँ वेब लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस, वेब कंटेंट एनालिसिस होता है, वेब लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, वेब यूजेस एनालिसिस होता है, वेब टेक्नोलॉजी एनालिसिस होता है। अब ये चारों मिलके भी वेबमेट्रिक स्टडी होता है, आप कोई दो स्टडी भी कर सकते हैं या चारों स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है। वेब कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, वेब कंटेंट एनालिसिस वेबसाइट, जब आप वेब पेज देखते हैं ना, उस वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस सभी इंफॉर्मेशन की हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसको हम बिब्लियोमेट्रिक टूल के माध्यम से हम उसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे कि देखिए वेबसाइट पे किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव और मिक्स। मिक्स हम किसे कहते हैं अभी हम जानेंगे। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, जो नंबर्स में हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, जैसे नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ लिंक्स, नंबर ऑफ हाइपरलिंक्स, ठीक है। क्वांटिटेटिव में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट मींस यस, वो नंबर हमने उसको एक दे दिया, नहीं है तो नो दे दिया, ठीक है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मतलब जब भी वेबसाइट हम खोलते हैं तो उस पे वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उस वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट का एक नाम होता है, तो ये नाम क्या है और ये एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, ये एक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। किसी किसी स्टडी में हम मिक्स अप्रोच का भी इस्तेमाल करते हैं। मिक्स अप्रोच का मतलब क्या होता है, मिक्स अप्रोच का मतलब होता है जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों को हम मिलाकर जब कोई स्टडी करते हैं वो मिक्स मेथड मिक्स अप्रोच हो जाता है, मिक्स अप्रोच बनता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने तरह की इवैल्यूएशन मेथड है, मेथड क्या है, एक ऑफलाइन होता है एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, चेकलिस्ट का मतलब क्या हुआ पहले इसको समझते हैं। चेकलिस्ट बनता है डेकोटोमस फॉर्म में, डेकोटोमस का मतलब हुआ 0 और 1, यस अगर है तो यस, डेको का मतलब क्या हो गया 2, मतलब 1 और 0 ये 2 डिजिट हो गए, और हम जो भी चेक पॉइंट्स बनाते हैं या तो वो अवेलेबल है या तो वो अवेलेबल नहीं है, या तो यस या तो नो, ठीक है, या तो प्रेजेंट या तो एब्सेंट, इस तरीके से। तो ये हम चेक पॉइंट्स बनाते हैं, तो चेक पॉइंट्स क्या हो गया, ये एक ऑफलाइन मेथड हो गया। जब भी हम किसी वेबसाइट को हम इवैल्यूएट करते हैं तो हम ऑफलाइन तरीके से उसको मेजर करते हैं कि वेबसाइट में ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, इस तरीके से हम उसकी एनालिसिस करते हैं। ये हो गया ऑफलाइन मेथड। दूसरा है ऑनलाइन मेथड, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये एक ऑनलाइन टूल है जिसके माध्यम से हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ हम पेस्ट करेंगे और ये हमें एक क्वांटिटेटिव डेटा दे देगा। देखिए जैसे कंटेंट एनालिसिस में क्या है, कंटेंट एनालिसिस में अभी मैंने आपको बताया जो जनरल इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है इसको हम नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं, चेक पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, यस या नो। ये जो इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ये एक छत्रपति शाहू जी महाराज का एक ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे देखिए ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये देखिए ये जो इंफॉर्मेशन आपको यहां दिख रहा है ये सारी आपकी कंटेंट एनालिसिस है, मतलब कंटेंट एनालिसिस के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखिए ये क्वांटिटेटिव आ जाएगा, जैसे छत्रपति शाहू जी महाराज ये एक नाम है, अगर हम इसकी
अब अगर हम इसकी लाइब्रेरी की वेबसाइट देखते हैं, ये देखिए, ये है उसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वेबसाइट, ये देखिए, ये उसकी वेबसाइट का एक, ये उसकी वेबसाइट का एक वेब पेज है। अब यहाँ पे हमको उस वेब लाइब्रेरी की, उस छत्रपति शाहू जी महाराज की जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के बारे में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमें कंटेंट एनालिसिस, ये हमारे उस वेबसाइट मतलब हमारे वेबमेट्रिक स्टडी का एक पार्ट है जो कंटेंट एनालिसिस। यहाँ से उस कंटेंट को हम अपने चेक पॉइंट्स में मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है वेब लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस। वेब लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस में सेल्फ लिंक, इंटरनल लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि सेल्फ लिंक क्या होता है। सेल्फ लिंक का मतलब होता है कि वो लिंक जो एक ही वेबसाइट पे, एक ही वेबसाइट के दूसरे पार्ट में हमको पहुंचाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम पेज पे क्लिक करें तो होम पेज पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको सबसे ऊपर दिया रहता है, उस पर अगर आप क्लिक क्लिक करते हैं तो आप जस्ट उस पेज के नीचे आते हैं। जैसे उसी पेज पे एक रहता है क्लिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, जब हम वेबसाइट पे नीचे क्लिक करते हैं, जब नीचे क्लिक करते हैं तो वो हमें वेबसाइट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे पहुंचा देता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक सेल्फ लिंक है। जब एक वेब पेज पे हमें एक लिंक उसी पेज के दूसरे पार्ट में पहुंचाता है तो ये सेल्फ लिंक या इंटरनल लिंक कहलाता है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक वो होता है जो एक वेबसाइट से हमको दूसरी तरफ पहुंचाता है। जैसे कि हम जैसे कि हमने किसी भी लाइब्रेरी पे अगर हमने ऑनलाइन ई डेटाबेस हमने देखा, ई रिसोर्स हमने क्लिक किया, तो वो हमें कहाँ पहुँचाता है, वो हमें उसके डेटाबेस पे, उसकी दूसरी वेबसाइट पे पहुँचाता है और वहाँ पे हमें उसका डेटाबेस दिख जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंजल, फ्रांसिस टेलर या एमराल्ड के आर्टिकल्स या इसके डेटाबेस या वेब ऑफ साइंस स्कोपस, जब हमारे हमारी लाइब्रेरी जब इसको अपने यहाँ सब्सक्राइब करती है तो हम क्या करते हैं, हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं। जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो हमको वेब ऑफ साइंस की वेबसाइट पे पहुँचा देता है। तो ये क्या है, ये लिंक किस तरह का लिंक है, इसी लिंक को हम कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। और वैसा लिंक जो हमें बाहर से वापस हमारी लिंक हमारे उस वेबसाइट पे पहुंचाता है वो भी हमारा एक्सटर्नल लिंक कहलाता है। हाइपर लिंक का मतलब क्या हो गया, हाइपर लिंक का मतलब क्या हो, ये हुआ कि जैसे कि हमारा कोई पेज है, उस पेज से हमने किसी पीडीएफ या किसी चीज को कनेक्ट कर रखा है, वो हमारा हाइपर लिंक हो जाता है। जैसे कि अगर हमने अपनी यूनिवर्सिटी का कोई मेमोरेंडम हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में है, पीडीएफ फॉर्म में है या कोई भी वीडियो लेक्चर है, उसका हमने एक लिंक जनरेट कर दिया अपनी वेब पेज पे, तो वो वेब पेज हमारा हाइपर लिंक हो जाता है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल इधर, ये देखिए, ये है लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस। लिंक स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ये वेबसाइट का। अब इस वेबसाइट पर देखिए, अब इस वेबसाइट पर हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने हमें जिस भी स्टडी, जिस भी वेबसाइट का एनालिसिस करना है उसका यूआरएल हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट किए, ये देखिए ये यूआरएल, पेज यूआरएल, ठीक है, ये यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट किया और इस वेबसाइट ने हमें क्या दिखाया, हमें दिखाया कि कितने इंटरनल लिंक हैं, कितने एक्सटर्नल लिंक हैं, ये हमें टोटल लिंक दिखा दिया, ठीक है। और ऐसे ही जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इधर देखिए टॉप टूल्स दिया हुआ है, ये सारे टूल्स हैं, आपको जिस भी मैट्रिक्स की स्टडी करनी है आप इस तरीके के ऑनलाइन टूल का उपयोग करके आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी उसी मैट्रिक्स में आगे है डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, स्पैम अथॉरिटी। ये क्या है, ये हमारे, ये मैंने अभी आपको बताया, ये जो ऑनलाइन टूल है इसी ऑनलाइन टूल में आपको ये भी मिल जाएगा, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। जब भी आप यूआरएल कॉपी करके डालेंगे, जिस तरीके के इंफॉर्मेशन आप चाहेंगे उस वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, वेब यूजर्स एनालिसिस क्या होता है।
एक्सप्लॉइटिंग लॉग फाइल फॉर यूजर सर्चिंग एंड ब्राउजिंग बिहेवियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, उस वेबसाइट पे जाने के बाद वो लॉगिन करके जब वो कुछ भी सर्च करता है तो एक सर्च की कैश फाइल हमारा डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। वो कैश फाइल क्या है? ये फाइल हमें ये बताता है कि किस यूजर ने किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे सर्च की। तो वो जो सर्चिंग बिहेवियर हुआ कि हमारा यूजर है किस तरीके की इंफॉर्मेशन सर्च किया, सपोज करिए कि मैं अपने वेबसाइट के ओपैक में गया, ओपैक में जाने के बाद मैंने कोई भी आर्टिकल, कोई भी बुक हमने उस पर सर्च की, तो वो जो हमने टाइटल डाल के सर्च किया तो वो जो सर्च है वो सर्च उसके कैश मेमोरी में सेव हो जाता है। तो इस तरीके की भी एनालिसिस जब हम करते हैं तो वो हमारा वेब यूजर्स एनालिसिस के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा एनालिसिस क्या है? वेब टेक्नोलॉजी एनालिसिस। अब इस ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने गूगल सर्च इंजन खोला, ठीक है। अब सर्च इंजन पे हम ये जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, डोमेन डॉट सी जे एम यू डॉट ए सी डॉट इन, लिंक डोमेन डॉट सी जे एम यू डॉट ए सी डॉट इन, लिंक, ये क्या है? ये बुलियन ऑपरेटर्स है। एंड और नॉट, इस तरीके से एंड नॉट, ये बुलियन ऑपरेटर्स है। अब हम इन ऑपरेटर्स का यूज करके हम अपनी वेबसाइट पे चेक करते हैं कि कितना रिट्रीव हुआ, किस तरीके की इंफॉर्मेशन रिट्रीव हुई, और यही इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव पार्ट्स में हमें अवेलेबल होता है, ठीक है। ये देखिए वेब इंडिकेटर्स, वेबोमेट्रिक स्टडी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिब्लोमेट्रिक स्टडी के जो मैट्रिक्स है उसी का इस्तेमाल हम वेबोमेट्रिक स्टडीज में करते हैं। तो अब हम वेब इंडिकेटर्स में क्या देखते हैं? हम सिंपल वेब इंपैक्ट फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिला? हमारे पास इंटरनल लिंक मिल गया, एक्सटर्नल लिंक मिल गया और टोटल लिंक मिल गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेब पेजेस मिल गए, ठीक है। तो अब हम उसको टोटल नंबर ऑफ लिंक जो हमें मिला हुआ है ऑनलाइन टूल से जो हमें प्राप्त हुआ है, उस टोटल लिंक को हम नंबर, टोटल नंबर ऑफ वेब पेजेस से जब डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है? सिंपल वेब इंपैक्ट फैक्टर, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा इंटरनल वेब इंपैक्ट फैक्टर। ये हम कैसे फाउंड? ये भी सारे मैट्रिक्स बिब्लोमेट्रिक के ही मैट्रिक्स हैं। इसका हम इंप्लीमेंटेशन वेबसाइट एनालिसिस में करते हैं। तो अब ये क्या है? इंटरनल। अब देखिए हमें क्या मिला, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ इंटरनल लिंक, ये जो हमने ऑनलाइन टूल से जो हमने इंटरनल लिंक हमने पाया है, उसी इंटरनल लिंक को हम टोटल इंटरनल लिंक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेब पेजेस से हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमें मिल जाता है इंटरनल वेब इंपैक्ट फैक्टर। अब देखिए तीसरा क्या है? एक्सटर्नल वेब इंपैक्ट फैक्टर। अब ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल लिंक, जैसा कि हमने उसमें पाया है टोटल लिंक, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक, ये तीनों लिंक को हम इस तरीके से डिवाइड करके हम ये इंपैक्ट फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रेफरेंसेस हैं, और थैंक यू आज की स्टडी के लिए।